तो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज ये सब कुछ खुला देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं इस चोबर के चारों टायर को नया। और देख सकते हो अभी हमने चोबर को पूरा जेक और ईंट के ऊपर टिका दिए है। उसके बाद इसके चारों टायर खोल लिए। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड की गाड़ी है उसको मंगा लिया है। हम चाहते तो चोपर को भी लेके जा सकते थे पर इतने दूर और वो इतना आराम से चलेगा तो कैसे जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि इसकी गाड़ी है तो हम इसमें ही डाल के ले जाते हैं, यहीं पे घर पे ही खोल लेंगे और वहाँ पे करवा के इसको डलवा के टायर लेकर आ जाएंगे और वापस अपने घर पर ही इसको कस लेंगे हम। तो उसके बाद हमको बड़ी मेहनत लगी इसको टायर को अंदर डालने के लिए। बड़ी ही क्या ही बताऊँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा वजन भी है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर मेहनत करने के बाद हमने इस टायर को ऊपर चढ़ा ही दिया था। ये टायर चढ़ाने के बाद हमने देखा कि गाड़ी से पीछे से ऊपर है तो मैंने फिर इस गाड़ी को थोड़ा पीछे किया ताकि ये पीछे से थोड़ी नीचे हो जाए और हमको टायर ऊपर और चढ़ाने में आसानी हो जाए। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी धीरे धीरे करके पीछे ले आता हूँ। उसके बाद वापस ये पीछे से थोड़ी नीचे हो गई थी ताकि टायर चढ़ाने में आसानी हो। उसके बाद हम सारे टायर रखते हैं। तो फाइनली हमने सारे टायर चारों टायर को अंदर गाड़ी में चारों टायर खोल दिए। अब ये ले जाएंगे जहाँ से हम बदनावर, फिर वापस हमारा सेहरा तैयार हो जाएगा। देख सकते हो हमने चार टायर ले लिया और इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा होगा वो आपको अगले व्लॉग में पता चल जाएगा। उसके बाद हमने इसको घर आके टायर इसमें ट्रैक्टर में लगा दिए थे। उसके बाद ये क्यों खोल रहे हैं, अब ये क्यों खोल रहे हैं आपको ये अगले व्लॉग में पता है। जब के लिए सब्सक्राइब कर लेना।